हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड, जिन्हें कई लोग फ्रूट सलाद भी बोलते हैं। ये एकदम यम्मी और टेस्टी लगता है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करना। आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें सामग्री में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने वेनिला एसेंस ले लिया है। यहाँ पर मैं वेनिला फ्लेवर का बना रही हूँ, आप चाहे तो कुछ और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू और बादाम, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितने मगजतरी ले ली है, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कोकोनट क्रश ले लिया, पाउडर ले लिया उसका। और यहाँ पर मैंने कुछ अंगूर ले लिए है हरे वाले, आप चाहे तो सूखे वाले भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बाउल दूध ले लिया है। और यहाँ पर मैं 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक अनार को छील के दाने ले लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 400 ग्राम जितनी शक्कर ले ली है। यहाँ पर मैं 2 लीटर दूध यूज कर रही, तो उसके हिसाब से मैंने 400 ग्राम शक्कर ली है। और यहाँ पर फ्रूट में हमें चाहिए 1 बनाना, 2 चीकू और 1 एप्पल चाहिए हमें। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रूट्स की मात्रा। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कस्टर्ड पाउडर में ठंडा दूध ऐड करके इसका पेस्ट बना लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें गर्म दूध ऐड नहीं करना है, नहीं तो लम्स हो जाएंगे। अब इसमें हम 1/2 कटोरी जितना ठंडा दूध ऐड करके पेस्ट बना लेंगे एकदम, ताकि उसमें गांठे ना रहे, उस तरह से हम पेस्ट बनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कस्टर्ड पाउडर का अच्छे से पेस्ट बना ली है, एकदम स्मूथ। अब हम ये पेस्ट हमारे दूध में बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 लीटर जितना फुल फैट दूध उबलने के लिए रख दिया है, आप चाहे जो भी दूध ले सकते हैं। अब उसमें हम ये हमारा कस्टर्ड का पेस्ट था वो ऐड करेंगे। दूध में हमें 1 उबाल आने तक उबाल लिया था, बाद में हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। अब उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद उसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दूध का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा गाढ़ा भी होने लगा है। अभी उसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम जितनी शक्कर ली है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है, उसमें उबाल आने लगा है। हमने अपने दूध को 10 से 15 मिनट तक उबालना है और बाद में हमारा कस्टर्ड वाला दूध तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम उबाल रहे हैं उस हिसाब से हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे दूध को हमने 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लिया था। अब उसमें हम 1 चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे, आप चाहे तो केसर भी ऐड कर सकते हैं दूध में घोल के। अब ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, काजू और बादाम, आप चाहे तो अपने टेस्ट के अनुसार सब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मगजतरी ऐड कर रही हूँ मैं, इसका टेस्ट फ्रूट सलाद में बहुत अच्छा आता है। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा फ्रूट कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, कितना गाढ़ा हो चुका है आप देख सकते हैं। अब उसमें हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने चीकू, बनाना और एप्पल ले लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा दूध ठंडा हो जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे, और जब हमें इसे सर्व करना होता है तभी हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे, वरना हमारा दूध थोड़ा सा खट्टा होने की संभावना रहती है। इसीलिए सबसे पहले ऐड करके रखने की जरूरत नहीं इसको। अब इसमें अनार के दाने ऐड करेंगे और कोकोनट क्रश ऐड करेंगे, 2 चम्मच जितना मैंने कोकोनट पाउडर ले लिया है।
और यहाँ पर मैंने हरे अंगूर ले लिए हैं, आप चाहे तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा गाढ़ा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड यानी कि फ्रूट सलाद बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये ठंडा ठंडा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।